टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और इसमें हम एसेट और लायबिलिटीज को किस तरह डील करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्क्राइब्स दैट द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ ए बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स इक्विटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये कहती है कि आपके जो एसेट्स हैं वो आपके लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के बराबर होंगे या आपके एसेट आपके इक्विटीज के बराबर होंगे। तो इसको हम कहते हैं एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप। इक्विटीज में आपकी दोनों चीजें आ जाती हैं, आपकी लायबिलिटीज और आपकी प्रोप्राइटरशिप। आपकी एसेट साइड और आपकी लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप साइड इक्वल होने चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। अहमद ने अपना बिजनेस 50,000 से शुरू किया। तो एसेट साइड पे हम कैश में 50,000 ऐड करेंगे, इसी तरह कैपिटल अकाउंट में 50,000 ऐड करेंगे। ये हमारी प्रोप्राइटरशिप है। हमारे पास एक कैपिटल आया है 50,000 का, जो हमने कैपिटल में लिख दिया, और एज ए कैश आया है तो हमने एसेट में कैश का अकाउंट बनाकर कैश में 50,000 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड एंट्री आ जाती है, परचेज फर्नीचर ऑन कैश रुपीज 10,000। अहमद ने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया है, तो हम फर्नीचर का हेड बनाएंगे अपने एसेट के अकाउंट में, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट होता है। फर्नीचर में हम 10,000 ऐड करेंगे, और क्योंकि हमने कैश पे फर्नीचर खरीदा है तो कैश में से हम 10,000 माइनस करेंगे, जबकि इक्विटी साइड पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं होगी। और हम इसका बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास कैश 40,000 रह जाएगा, फर्नीचर हमारे पास 10,000 रुपये का आ जाएगा और कैपिटल हमारे पास 50,000 का रहेगा। उसके बाद परचेज्ड मर्चेंडाइज या गुड्स फॉर रुपीज 10,000। अहमद ने 10,000 की मर्चेंडाइज या गुड्स परचेज की, तो ये मर्चेंडाइज या गुड्स भी हमारा एसेट है, तो इसको हम एसेट में ऐड कर देंगे। तो 10,000 के हमारे पास मर्चेंडाइज आई, हमने 10,000 यहाँ पे लिख दिया फॉर रुपीज। यहाँ पे ना उसने कैश का जिक्र किया है ना क्रेडिट का जिक्र है, तो इसको एज ए कैश लेंगे। जहाँ पे वो कैश या क्रेडिट दोनों का जिक्र नहीं करेगा तो हम इसको एज ए कैश लेंगे। तो कैश में से माइनस 10,000 कर देंगे और मर्चेंडाइज में 10,000 ऐड कर देंगे और इसको बैलेंस करेंगे। 40,000 में से 10,000 जाएगा तो आपके पास 30,000 का कैश रह गया, फर्नीचर आपके पास 10,000 का आ गया और मर्चेंडाइज भी आपके पास 10,000 की आ गई। और प्रोप्राइटरशिप में कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम उसको एज इट इज 50,000 का लिख देंगे। उसके बाद आपके पास चौथी ट्रांजेक्शन आ जाती है, परचेस मर्चेंडाइज गुड्स फ्रॉम अली फॉर रुपीज 5,000 ऑन क्रेडिट। अब अहमद ने 5,000 की मर्चेंडाइज खरीदी है क्रेडिट पे, तो 5,000 हम मर्चेंडाइज में ऐड कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदी है इसलिए कैश में कोई एंट्री नहीं होगी। क्रेडिट की एंट्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हेड में एंट्री करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक लायबिलिटी है जो हमने पे करनी है, तो इसको हम क्रेडिटर्स के हेड में लिखेंगे। 5,000 क्रेडिटर्स के हेड में ऐड हो गया और 5,000 मर्चेंडाइज के हेड में ऐड हो गया और हमारे पास बैलेंस आ गया 30,000 कैश, 10,000 फर्नीचर, 15,000 मर्चेंडाइज और इसी तरह इक्विटीज साइड पे हमारे पास आ गया 5,000 क्रेडिटर्स का और 50,000 हमारे पास अहमद का कैपिटल। उसके बाद पांचवी एंट्री हमारे पास आ जाती है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 2,000। हमने मर्चेंडाइज सोल्ड की हैं जिनकी कॉस्ट तो 1,500 थी लेकिन हमें कैश उसका रिसीव हुआ है 2,000, तो 1,500 हम मर्चेंडाइज में से माइनस कर देंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट हमारी 1,500 की थी, तो हमने मर्चेंडाइज में 1,500 माइनस कर दिया और कैश हमारे पास कितना आया 2,000 का, तो 2,000 हम कैश में ऐड कर देंगे और इसी तरह जो 500 का डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम अपने कैपिटल के हेड में लिख देंगे 500 एज ए प्रॉफिट। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम बैलेंस कर लेंगे, कैश हमारे पास 35,000 का हो गया क्योंकि 2,000 हमें मर्चेंडाइज
सॉल्व करने से हासिल हुए हैं। फर्नीचर हमारे पास वही 10,000 का था, 10,000 का रह गया। मर्चेंडाइज हमारे पास 13,500 का आ गया। क्रेडिटर्स हमारे पास वैसे 5,000 के रहे और हमारे पास कैपिटल 500 ऐड होने के बाद 50,500 का हो गया। उसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास एंट्री आ जाती है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू राशिद ₹4,000 विच कॉस्ट ₹3,000। हमने राशिद को क्रेडिट पे 4,000 की मर्चेंडाइज बेची जिसकी कॉस्ट कितनी थी 3,000। तो हमेशा कॉस्ट पर हम मर्चेंडाइज को माइनस करेंगे, तो 3,000 हमने मर्चेंडाइज में माइनस कर दिया। क्योंकि हमने ये मर्चेंडाइज क्रेडिट पे सेल की है तो हम इसको एसेट साइड पे डेटर्स के अकाउंट पे लिखेंगे। ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है इसलिए ये हमारा एसेट है जो हमने कभी ना कभी वसूल करना है। तो इसी तरह 4,000 हम डेटर के अकाउंट में लिख देंगे और उसमें से 3,000 की जो हमारी मर्चेंडाइज की कॉस्ट थी वो हम मर्चेंडाइज में से माइनस कर देंगे और जो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है उसको हम अपने प्रॉफिट में लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस आएगा 32,000 कैश हमारे पास आ जाएगा। फर्नीचर वैसे ही 10,000 का आ जाएगा, 3,000 मर्चेंडाइज में से माइनस हो जाएगा तो 10,500 का बैलेंस बच जाएगा मर्चेंडाइज का। और डेटर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे जिसकी अमाउंट होगी 4,000 और इसी तरह क्रेडिटर्स हमारे पास वैसे 5,000 के 5,000 रहेंगे और 1,000 पे हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा जो कि हमारे कैपिटल को 51,500 कर देगा। और जब हम इस साइड को और इस साइड को जब प्लस करेंगे तो दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप इक्वेशन बनाने में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपकी एसेट साइड का बैलेंस और आपकी इक्विटी साइड का बैलेंस जिसमें आपकी लाइबिलिटीज और प्रोप्राइटरशिप आ जाती हैं इक्वल होना चाहिए। उसके बाद सातवें नंबर पे हमारे पास आ जाता है पेड ₹1,000 टू अली इन पार्ट पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड परचेज्ड अर्लियर। अली को हमने 1,000 रुपया पे कर दिया जो हमने उससे गुड्स ली थी क्रेडिट पे, तो हमने क्योंकि कैश पे किया है इसलिए हम कैश में से 1,000 रुपया माइनस करेंगे और क्योंकि अली हमारा क्रेडिटर था तो हम क्रेडिटर्स में भी 1,000 रुपया माइनस करेंगे। और इस तरह से हमारे पास बाकी जो बैलेंस बच जाएगा 31,000 हमारे पास कैश रह जाएगा, 10,000 का फर्नीचर रह जाएगा, 10,500 की मर्चेंडाइज रह जाएंगी, डेटर्स हमारे पास 4,000 के रह जाएंगे, क्रेडिटर्स भी 1,000 माइनस होने के बाद 4,000 रह जाएंगे और हमारे पास कैपिटल रह जाएगा 51,500 का जो कि पहले भी यही था। उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद ₹1,000 whom a credit sale was made earlier, जो हमने अपने डेटर को क्रेडिट पे मर्चेंडाइज सेल की थी उसमें से हमें 1,000 रुपया वापिस आ गया, तो 1,000 रुपया हम अपने कैश में ऐड कर देंगे और वही 1,000 रुपया हम डेटर्स के अकाउंट में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास और लाइबिलिटीज या प्रोप्राइटरशिप की साइड पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो हमारा एंड बैलेंस क्या आएगा, 32,000 हमारे पास कैश हो गया, 10,000 फर्नीचर, 10,500 मर्चेंडाइज, 3,000 रुपये डेटर्स के रह गए, 4,000 रुपये के क्रेडिटर्स और हमारा कैपिटल 51,500 का रह गया। उसके बाद पेड सैलरीज ₹2,000 इन कैश। अब हमने 2,000 की सैलरीज पे की अपने एम्प्लॉयज़ को कैश की सूरत में, तो कैश की सूरत में किया है तो कैश में से 2,000 माइनस होगा और हमारे कैपिटल में से 2,000 माइनस होगा। बाकी जो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा वो 30,000 कैश, 10,000 फर्नीचर, 10,500 मर्चेंडाइज, 3,000 डेटर्स, 4,000 क्रेडिटर्स और हमारा जो कैपिटल बच जाएगा वो 49,500। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे और इन चारों को ऐड करेंगे तो एसेट साइड का बैलेंस आपके लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप के बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। हर एंट्री डुअल एस्पेक्ट की होगी यानी कि उसको दो जगह आपने दर्ज करना होगा। हर ट्रांजैक्शन को आपने दो हेड में लिखना होगा। अगर आप दोनों हेड में एक ही ट्रांजैक्शन को लिखेंगे तो आप सही तरह से इक्वेशन बना सकेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी डबल एंट्री सिस्टम से रिलेट करती है। और अगर हम उन तमाम एंट्रीज को मर्ज कर दें जो हमने अभी पढ़ी हैं तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर आपको कोई कहे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ तो आपने
इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबल बनाना है। उसमें आप ऊपर लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर कोई कंपनी का नेम है वो भी मेंशन कर देंगे, और उसमें अगर कोई मंथ भी दिया हुआ है कि किस मंथ में ट्रांजैक्शन हुई थी, तो वो उस मंथ को भी आप हेडिंग में लिख देंगे। उसके बाद अगर मंथ है तो यहाँ पे मंथ लिख देंगे आप। मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, अगर वहाँ पे मंथ का जिक्र होगा तो आप यहाँ पे मंथ मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे आप जून 1st, जून 3rd, सितंबर 6th, जैसे जैसे एंट्रीज या ट्रांजेक्शन हुई होंगी वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप एसेट की हेडिंग देंगे और उसको इक्वल टू कर देंगे लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप। लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप में आप क्रेडिटर्स और कैपिटल का जिक्र करेंगे, जबकि एसेट्स में जो जो आपके पास एसेट्स ट्रांजैक्शन में यूज हुए हैं वो आप लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने कैश, फर्नीचर, मर्चेंडाइज और डेटर एज एसेट यूज किया है, और उसी तरह आप उसकी एंट्रीज करते रहेंगे और बैलेंस करते रहेंगे, और एट द एंड जो आपके पास बैलेंस बचेगा उसका आप टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल आपस में बराबर होना चाहिए, अगर दोनों साइड्स का टोटल आपस में बराबर है तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सही होगी। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। शुक्रिया।